बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पहले चार लेक्चर्स के बारे में, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा सबसे पहला जो लेक्चर था, दैट वाज अबाउट स्कोप ऑफ प्लांट एनाटॉमी, जिसमें हमने प्लांट एनाटॉमी की इम्पॉर्टेंस के बारे में पढ़ा था और उसको वेरियस फील्ड में किस तरह से अप्लाई किया जा सकता है उसके बारे में पढ़ा था। तो इसके लिए जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं, दे मे बी लाइक दिस, डिस्कस द स्कोप ऑफ प्लांट एनाटॉमी इन डिटेल और गिव सम एप्लीकेशंस ऑफ प्लांट एनाटॉमी इन डिफरेंट फील्ड्स। तो इसके आंसर में आपने जो कुछ पढ़ा है डिफरेंट फील्ड के अंदर इसकी एप्लीकेशंस, वो सारी आपने मेंशन करनी है डिटेल के साथ। शॉर्ट क्वेश्चंस इन दिस टॉपिक, दिस मे बी लाइक दिस, वट इज़ द रोल ऑफ प्लांट एनाटमी इन टेक्सोनमी, हाउ प्लांट एनाटमी इज़ हेल्पफुल इन फिजियोलॉजी एंड इकोलॉजी। इसमें आपने टेक्सोनमी के फील्ड में, फिजियोलॉजी और इकोलॉजी के फील्ड में जो इसकी इम्पॉर्टेंस है, किस तरह से जो है ये हेल्प करती है, जिस तरह टेक्सोनमी में जो है वो क्लासिफिकेशन और आइडेंटिफिकेशन में, नेमिंग के लिए हेल्पफुल है, और इसी तरह से फिजियोलॉजी में उनके फंक्शन को अंडरस्टैंड करने के लिए हेल्प करती है, और इसी तरह से इकोलॉजी में जो है वो प्लांट एनवायरनमेंट रिलेशनशिप जो है उसको एक्सप्लेन करती है, हेल्प करती है। तो उसके बारे में आपने लिखना है। देन व्हाट इज़ द रोल ऑफ प्लांट एनाटॉमी इन मेडिसिनल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स में किस तरह से ये हेल्पफुल है। फिर इस तरह से हाउ प्लांट एनाटॉमी इज़ हेल्पिंग टू डिटेक्ट एडल्ट्रेशन एंड कंटेमिनेशन इन फूड्स, हाउ प्लांट एनाटॉमी कैन बी अप्लाइड फॉर एनिमल फीडिंग हैबिट्स, वट इज़ द रोल ऑफ प्लांट एनाटॉमी इन वुड वर्क, हाउ प्लांट एनाटॉमी कैन हेल्प टू सेव द बिल्डिंग्स फ्रॉम डैमेज, डिस्कस शॉर्टली द रोल ऑफ प्लांट एनाटॉमी इन आर्कियोलॉजी फील्ड, हाउ प्लांट एनाटॉमी इज यूज इन मेकिंग फूड प्रोडक्ट्स, एंड देन डिस्कस द फॉरेंसिक एप्लीकेशन ऑफ द प्लांट एनाटॉमी इन शॉर्ट। अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ये सब के सब जो है वो इनका एक नंबर होता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपने टू द पॉइंट इनके आंसर जो हैं वो लिखने हैं। देन नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो था, दैट वाज मेरिस्टम्स एंड देयर क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने पढ़ा था कि मेरिस्टम्स क्या होते हैं और उनको किस तरह से जो है किन करेक्टर्स की बेस पर क्लासीफाई किया जा सकता है। तो इसके लिए जो लॉन्ग क्वेश्चन है, दैट मे बी आस्क्ड इज़ व्हाट आर मेरिस्टम्स एंड डिस्कस देयर क्लासिफिकेशन इन डिटेल। तो उसमें आपने इसकी पोजीशन की बेस पर और उसके बाद इनकी ओरिजिन एंड डेवलपमेंट की बेस पर और ग्रोथ पैटर्न एंड प्लेन्स ऑफ डिवीजन की बेस पर जो मेरिस्टम्स की क्लासिफिकेशन की गई है, उसको आपने डिटेल से जो है वो मेंशन करना है। अब इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो क्या क्या हो सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले जो है, व्हाट आर मेरिस्टम्स और डिफाइन मेरिस्टम्स, मेरिस्टम्स को आपने डिफाइन करना है कि ये वो टिश्यूज होते हैं जो कि कैपेसिटी रखते हैं डिवाइड करने की, जिनके अंदर एबिलिटी टू डिवाइड, डिवीजन होती है कि वो कंटिन्यूसली जो है वो डिवाइड करते रहते हैं और न्यू सेल जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। देन व्हाट आर मेच्योर टिश्यूज, मेच्योर टिश्यूज कौन से होते हैं कि जो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज होते हैं वो जो न्यू सेल्स प्रोड्यूस करते हैं उनमें जब डिफ्रेंशिएशन हो जाती है तो अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, तो जो वो जब परमानेंट टिश्यू, परमानेंट कंडीशन में आ जाते हैं अपने फंक्शन के लिए, तो उनको जो है मेच्योर टिश्यूज़ कहा जाता है। फिर इस तरह से डिफ्रेंशिएट बिटवीन मेरिस्टमैटिक एंड परमानेंट टिश्यूज, इसमें आपने दोनों का जो है वो डिफरेंस बताना है। मेरिस्टमैटिक जो है वो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं और जो परमानेंट टिश्यूज हैं वो उनमें डिवीजन की एबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, बट एट एनी स्टेज इन सम टिश्यूज जो है वो एबिलिटी दोबारा आ सकती है। तो इसमें आपने डिफरेंस इनका जो है बताना है। देन व्हाट आर फॉर्मेटिव टिश्यूज, फॉर्मेटिव टिश्यूज़ जो हैं ये मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ को फॉर्मेटिव टिश्यूज़ भी कहा जाता है। तो इसमें जो है वो आपने फिर आगे क्वेश्चन जो है इसमें और ये भी बन सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन इनिशिएटिंग सेल्स एंड द डेरिवेटिव्स, के मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ जो हैं उसके अंदर जो कंटिन्यूसली डिवाइड करते रहते हैं सेल्स, नए सेल बनाते रहते हैं और अपने सेल भी न्यू प्रोड्यूस करते हैं, उनको इनिशिएटिंग सेल कहा जाता है। और जो नए सेल बनाते हैं, न्यू सेल जिनमें डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है, उनको डेरिवेटिव्स कहा जाता है।
देन डिफाइन डिफरेंशिएशन. डिफरेंशिएशन प्रोसेस जो है वो क्या होता है कि जब इनिशिएटिंग सेल जो है वो जो डेरिवेटिव सेल प्रोड्यूस करते हैं, तो डेरिवेटिव सेल जो है वो इनके अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, तो इस प्रोसेस को हम डिफरेंशिएशन कहते हैं. देन विच आर द टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजिशन. इनकी पोजिशन की बेस पर जो है वो मेरिस्टम्स की कितनी टाइप्स हैं, तो उसमें आपने बताना है कि थ्री टाइप्स हैं जो आप पढ़ चुके हैं, एपिकल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम्स एंड लेटरल मेरिस्टम्स. फिर उसके बाद जो है ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि गिव टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट. ओरिजिन और डेवलपमेंट की बेस पर इसकी कितनी टाइप्स हैं, तो ये जो है वो प्राइमरी मेरिस्टम्स और सेकेंडरी मेरिस्टम्स हैं. और ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेरिस्टम्स. इसमें आपने डिफरेंस जो है वो दोनों के अंदर बताना है. फिर जो है वो और क्वेश्चन जो है वो ये भी हो सकता है कि जो आपने पढ़ा था कि प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टम्स भी होते हैं, तो इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज़ प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टम्स. भी आपने पढ़ा था कि कुछ मोनोकॉट्स जो हैं उनके टिप्स के ऊपर जो है वो रीजन थिक हो जाता है, तो वो मेरिस्टमैटिक टिश्यूज़ जो इस थिकनिंग के रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसको इसको जो है वो प्राइमरी थिकनिंग मेरिस्टम्स जो है वो कहा जाता है. देन विच मेरिस्टम्स आर प्रेजेंट इन मेरिस्टमैटिक जोन. मेरिस्टमैटिक जोन जो है उसके अंदर कौन से मेरिस्टम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं, इनको आपने बताना है. नेम द टाइप्स ऑफ मेरिस्टम्स बेस्ड ऑन ग्रोथ पैटर्न एंड प्लेन्स ऑफ डिवीजन. डिवीजन सेल डिवीजन प्लेन ऑफ डिवीजन की बेस पर और ग्रोथ पैटर्न की बेस पर के कौन सी टाइप के टिश्यूज इनसे डिवेलप होते हैं, उसमें ग्रोथ का पैटर्न क्या होता है, वो फ्लैट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं या लॉन्गिट्यूडनल फाइल्स की फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं या मैस की फॉर्म में, तो इसकी बेस पर मेरिस्टम की जो टाइप्स हैं वो आपने बतानी है, जो आपने पढ़ा है कि रिब मेरिस्टम, प्लेट मेरिस्टम एंड मैस मेरिस्टम. फिर इसके बाद इंडिविजुअली क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मैस मेरिस्टम, डिफाइन रिब मेरिस्टम, व्हाट आर प्लेट मेरिस्टम्स. और ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि इन तीनों मेरिस्टम जो है इनके बारे में डिफरेंस भी जो है वो पूछा जा सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मैस मेरिस्टम एंड रिब मेरिस्टम, और डिफरेंशिएट बिटवीन प्लेट मेरिस्टम एंड रिब मेरिस्टम, और डिफरेंशिएट बिटवीन मैस एंड प्लेट मेरिस्टम. तो ये जो है वो मेरिस्टम्स के बारे में जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन जो हो सकते हैं वो इस तरह के जो हैं वो आ सकते हैं. देन नेक्स्ट जो टॉपिक हमने पढ़ा था दैट वॉज शूट एपिकल मेरिस्टम. शूट एपिकल मेरिस्टम जो है उसमें हमने उसके स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए जो है वो डिफरेंट थेरीज जो है वो डिटेल के साथ पढ़ी थी, और जिसमें जो है वो हर थेरी में शूट एपिकल मेरिस्टम को जो है वो हर साइंटिस्ट ने जो है वो जिसने वो थेरी डेवलप की उसने उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की. तो इसके बारे में जो लॉन्ग क्वेश्चन आ सकते हैं वो इस तरह के हो सकते हैं कि डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम इन डिटेल. इसमें जो है वो डिटेल में आपने सारी थेरीज को डिस्कस करना है. या ये क्वेश्चन भी हो सकता है डिस्क्राइब द थेरीज टू एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम. या फिर ये लॉन्ग क्वेश्चन फुल पूरे जो है वो शूट एपिकल मेरिस्टम पे आ सकता है, सारी थेरीज आपने लिखनी होंगी. या फिर ये क्वेश्चन जो है वो किसी और क्वेश्चन के ए या बी पार्ट के तौर पर भी जो है वो आ सकता है कि जिसमें जो है वो आपसे सारी थेरीज भी पूछी जा सकती हैं. या फिर जो है वो इस तरह भी आ सकता है गिव एनी थ्री थेरीज टू डेमोंस्ट्रेट द स्ट्रक्चर ऑफ शूट एपिकल मेरिस्टम्स. तो इसमें जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं वो उसमें जो है वो व्हाट इज पंक्टम वेजिटेशन इज, के ये जो है वो कौन सा पार्ट है, क्या है. और ये आपने पढ़ा था कि जिसको आजकल हम शूट एपेक्स कहते हैं इसको जो है वो पंक्टम वेजिटेशनिस का नाम दिया गया था पहले. व्हाट इज़ प्लास्टोक्रोन और डिफाइन प्लास्टोक्रोन, व्हाट आर द प्लास्टोक्रोनिक वेरिएशंस, और व्हाट इज़ एपिकल सेल थेरी. एपिकल सेल थेरी जो है वो क्या है, इसके अंदर क्या कॉन्सेप्ट दिया गया है. देन व्हाट इज़ हिस्टोजन थेरी. फिर विच हिस्टोजेंस वर सजेस्टेड बाय हेंस्टेन इन शूट एपिकल मेरिस्टम अकॉर्डिंग टू हिस्टोजन थेरी. इसमें तीन हिस्टोजन जो उसने बताए थे डर्मेटोजेन, पेरिबलम एंड प्रीरोम, इनके बारे में आप जो है बताएंगे उनको. देन व्हाई हिस्टोजन थेरी वाज डिसप्रूव्ड फॉर शूट एपिकल मेरिस्टम,
कि ये दो पॉइंट्स जो डिस्कस किए गए हैं कि इन दो पॉइंट्स की बेस पर जो है इस थ्योरी को डिस्कार्ड किया गया था, डिसप्रूव किया गया था कि ये जो है वो वैलिड नहीं है शूट एपिकल मेरिस्टम जो है उसकी स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए। फिर इसके बाद जो है वो ट्यूनिका कार्पस थ्योरी हमने पढ़ी थी, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं उस पर ये हो सकता है कि जैसे डिस्कस शॉर्टली ट्यूनिका कार्पस थ्योरी, इसमें आपने शॉर्टली उसके जो है वो कुछ पॉइंट्स जो हैं वो बताने हैं कि ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जो उसमें क्या बताया गया है, ये स्ट्रक्चर को किस तरह से डिफाइन करती है। फिर इसमें ये भी आ सकता है क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्यूनिका एंड कॉर्पस लेयर्स इन शूट एपिकल मेरिस्टम। ट्यूनिका कार्पस लेयर जो है उसमें डिफरेंशिएशन जो है वो बतानी है कि ट्यूनिका लेयर जो है ये आपने पढ़ा था कि ये वो लेयर्स होती हैं जिसमें सिर्फ जिनके सेल्स में सिर्फ एंटीक्लाइनल डिवीजन होती है, जबकि कॉर्पस लेयर्स में वो सेल्स होते हैं जिनमें पेरिक्लाइनल डिवीजन जो है वो होती है। फिर इसी तरह से जो है वो आपने पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म जो है वो उनके अंदर कॉर्पस जो है वो दो टाइप की होती है मेनली, तो उसमें क्वेश्चन आ सकता है विच टाइप्स ऑफ कॉर्पस आर फाउंड इन एंजियोस्पर्म्स। तो इसमें जो है वो आप बताएंगे कि दो टाइप की कॉर्पस होती है, एंजियोस्पर्म टाइप और ओपनशिया टाइप। इसके बारे में, इन दोनों के बारे में ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एंजियोस्पर्म टाइप एंड ओपनशिया टाइप कॉर्पस, तो इसमें भी वही आंसर आप देंगे, डायग्राम भी जो है वो आप ड्रॉ करेंगे साथ इसकी, और उसमें बताएंगे कि इसमें जो है वो स्ट्रक्चर उसका जो है वो उसको भी जो है वो ड्रॉ करेंगे। देन विच जोन्स आर डिस्टिंग्विश्ड इन एंजियोस्पर्म टाइप कॉर्पस, एंजियोस्पर्म टाइप कॉर्पस जो है उसके अंदर कौन कौन से जोन जो है वो डिफ्रेंशिएट किए जा सकते हैं, तो ये जो है वो आपने पढ़ा था कि इसमें जो है वो मेनली थ्री जोन्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, और वो तीन जोन जो है वो कौन कौन से डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं, उसमें जो है वो आपने पढ़ा था कि सेंट्रल मदर सेल्स का जोन होता है, और उसके नीचे जो है वो ट्यूनिका के नीचे जो है वो कॉर्पस रीजन में सेंट्रल मदर सेल्स का जोन होता है, फिर उसके नीचे जो है वो इनर साइड की तरफ जो है रिब मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, और रिब मेरिस्टम के दोनों साइड पर जो है वो पेरिफेरल साइड पर जो मेरिस्टम्स होते हैं उनको पेरिफेरल मेरिस्टम्स या जो है वो फ्लैंक मेरिस्टम कहा जाता है। देन मेंशन द जोन्स फाउंड इन ओपनशिया टाइप कॉर्पस, तो ओपनशिया टाइप कॉर्पस जो उसमें भी यही जोन्स पाए जाते हैं, लेकिन इन एडिशन एक और जोन प्रेजेंट होता है जो सेंट्रल मदर सेल जोन्स और रिब और पेरिफेरल मेरिस्टम जो है उसके बीच में एक एडिशनल जोन प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं कैम्बियम लाइक ट्रांजिशनल जोन। फिर इसी तरह से जो है विच थ्योरी कैन एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ जिम्नोस्पर्म शूट एपिकल मेरिस्टम, ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जो है ये मेनली एंजियोस्पर्म की शूट एपिकल मेरिस्टम जो है उसको एक्सप्लेन करती है उसके फीचर्स को, लेकिन जिम्नोस्पर्म को जो है वो कम्प्लीटली जो है वो उसके लिए एक्सप्लेन नहीं करती है उसके स्ट्रक्चर को। तो इसके लिए जो है वो एक और थ्योरी जो है वो डेवलप हुई जो उसके लिए, उस थ्योरी का नाम है साइटोहिस्टोलॉजिकल जूनेशन थ्योरी। फिर इसके बाद क्वेश्चन ये भी हो सकता है व्हाट इज़ साइटोहिस्टोलॉजिकल जूनेशन थ्योरी, गिव इट्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फीचर्स हैं वो आपने बताने हैं कि किस तरह से जो है वो जिम्नोस्पर्म में शूट एपिकल मेरिस्टम को जो है ये थ्योरी एक्सप्लेन करती है। देन विच जोन्स आर फाउंड इन जिम्नोस्पर्म शूट एपिकल मेरिस्टम अकॉर्डिंग टू साइटोहिस्टोलॉजिकल जूनेशन थ्योरी, तो इसके मुताबिक जो जोन्स पाए जाते हैं इसमें वो जो है वो आप एक्सप्लेन करेंगे, जिस तरह से जो है वो सबसे पहला जोन ऊपर वाला जो है सरफेस मेरिस्टम है, और उसके अंदर फिर नीचे जो है वो उसी में जो है वो एपिकल इनिशियल और सेंट्रल मदर सेल्स का जोन होता है, फिर उसके नीचे जो है वो सेंटर में रिब मेरिस्टम जोन, और उसके साइड पर जो है वो पेरिफेरल और फ्लैंक मेरिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है। देन विच आर द प्रिंसिपल टाइप्स ऑफ जिम्नोस्पर्म शूट एपिकल मेरिस्टम्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, जिस तरह एंजियोस्पर्म में दो टाइप की शूट एपिकल मेरिस्टम जो है पाई जाती है, एंजियोस्पर्म और ओपनशिया टाइप, इसी तरह से जिम्नोस्पर्म जो है उसमें भी थ्री टाइप्स की जो है वो पाई जाती हैं शूट एपिकल मेरिस्टम्स, तो उसमें जो है वो तीन टाइप्स जो हैं वो आपने बतानी है कौन कौन सी हैं, साइकस टाइप है, जिंको टाइप और क्रिप्टोमेरिया एबीस टाइप है। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन आ सकता है इंडिविजुअली इन तीनों टाइप्स की जो एपिसिस हैं इनके बारे में कि व्हाट इज़ साइकस टाइप शूट एपिकल मेरिस्टम, इसमें जो है वो जो इसके अंदर जो जोन्स पाए जाते हैं या रीजन्स हैं या स्ट्रक्चर है उसको आपने बताना है कि कितने जोन्स इसके अंदर जो है पाए जाते हैं, सरफेस मेरिस्टम है, रिब मेरिस्टम और फ्लैंक मेरिस्टम है। फिर इसके बाद जो है वो
जिनको टाइप जो है उसमें क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कस शॉर्टली जिंको टाइप शू टिपिकल मेरिस्टम, तो उसमें आपने जो है वो रीजन्स के बताने हैं। तो इसमें जो है वो सरफेस मेरिस्टम, रिब मेरिस्टम और जो है वो फ्लैंक मेरिस्टम के अलावा एक और रीजन भी पाया जाता है जो है वो उसको कैम्बियम लाइक ट्रांजिशनल जोन कहते हैं, और उसके अलावा इसके अंदर सेंट्रल मदर सेल्स का जोन भी प्रेजेंट होता है। मतलब साइकस टाइप जो है उसके अंदर मेनली 3 रीजन पाए जाते हैं, लेकिन जिंको टाइप जो है उसके अंदर मेनली जो है वो 5 रीजन जो है वो पाए जाते हैं। फिर इस तरह से जो है वो विच जोन कैन बी आइडेंटिफाइड इन क्रिप्टोमेरिया एबिस टाइप शूट एपिकल मेरिस्टम, तो क्रिप्टोमेरिया एबिस टाइप शूट एपिकल मेरिस्टम जो है इसके अंदर 4 रीजन जो है वो 4 रीजन आइडेंटिफाई हो सकते हैं। उसमें जो है वो सेंट्रल मदर सेल्स का जोन है, उसके ऊपर जो है वो सरफेस मेरिस्टम, फिर जो है वो सेंट्रल मदर सेल जोन के नीचे जो है वो रिब मेरिस्टम और फ्लैंक मेरिस्टम जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर इस तरह से ये क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज़ फ्लैंक मेरिस्टम, यानी जो पेरिफेरल मेरिस्टम है उनको फ्लैंक मेरिस्टम भी कहा जाता है। तो इसके बारे में बताएंगे कि ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और इसके अंदर सेल जो है उनके अंदर कौन सी डिवीजन जो है वो होती हैं। देन व्हाट इज़ कैम्बियम लाइक ट्रांजिशनल जोन एंड वेयर इट इज़ फाउंड, ये जो हमने पढ़ा जिंको टाइप में जो सेंट्रल मदर सेल के नीचे कैम्बियम लाइक ट्रांजिशनल जोन प्रेजेंट होता है, ये जो है वो क्या होता है और इस जो है वो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है। देन विच आर द मेन फीचर्स ऑफ एन्यू इनिशियल एंड मेरिस्टीम डी एटेंटी थेरी, कि इस थेरी के अकॉर्डिंग जो इसके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, जो इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ये जो है वो शूट एपिकल मेरिस्टम जो है वो उसको किस तरह से जो है वो एक्सप्लेन करती है, कि इसके अकॉर्डिंग आपने पढ़ा था कि इसकी सरफेस पर जो है अपर साइड पर जो है वो एक वेटिंग मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। मेरिस जो है और ये वेटिंग मेरिस्टम जो है वो वेट करता है उस वक्त तक जब प्लांट के अंदर वेजिटेटिव स्टेज से फ्लावरिंग स्टेज जो है वो चेंज होती है, मतलब जब फ्लावरिंग स्टेज स्टार्ट होती है तो उस वक्त इसमें एक्टिविटी जो है वो स्टार्ट होती है। फिर उसके बाद इसके साइट्स पर जो है वो रीजन जो है वो जोन जो है वो ज़्यादा मेरिस्टमैटिक होते हैं, और ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है वो शूट के वो इससे ही डिवेलप होते हैं, और फिर उसके नीचे सेंटर में जो है वो एक मेरिस्टीम मेडुलर रीजन जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको मेडुलरी या पिथ मेरिस्टम भी जो है वो कहा जाता है। तो ये शू टिपिकल मेरिस्टम जो है उसके बारे में जो पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया। अब हम देखते हैं कि रूट एपिकल मेरिस्टम जो है उसमें जो है वो कौन से लॉन्ग और शॉर्ट क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते हैं। तो लाइक द शू टिपिकल मेरिस्टम, इसमें भी रूट एपिकल मेरिस्टम के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टम इन डिटेल, और डिस्कस द थेरीज टू डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ रूट एपिकल मेरिस्टम। तो इसमें भी आपने जो है वो रूट एपिक्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो डिफरेंट थेरीज जो है डिफरेंट साइंटिस्ट ने जो है वो दी हैं उनको जो है वो एक्सप्लेन करना है। फिर इसके बाद इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो ये हो सकते हैं, जैसे डिफाइन रूट एपिकल मेरिस्टम या रूट एपेक्स, इसको डिफाइन करें। रूट एपिकल मेरिस्टम इज द स्मॉल रीजन विच इज प्रेजेंट एट द टिप ऑफ द रूट इन विच ऑल द सेल्स आर कैपेबल ऑफ डिवीजन, एंड देन फ्रॉम दिस दीज सेल्स ऑल द प्राइमरी टिश्यूज ऑफ द रूट्स आर प्रोड्यूस्ड। फिर इसके बाद जो है वो क्वेश्चन ये भी हो सकता है, गिव सम मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रूट एपेक्स, जो आपने पढ़ी कि रूट एपेक्स जो है वो सब टर्मिनल होती है, इसके जो है वो इसमें लेटरल अपेंडिजेस लीव्स और रूट लीव्स और ब्रांचेस जो है प्रोड्यूस नहीं होती हैं, इसमें नोडल और इंटरनोडल रीजन्स भी जो है प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए इसकी ग्रोथ जो है वो यूनिफॉर्म होती है। फिर इसके जो है वो मेरिस्टमैटिक रीजन जो है उसमें जो है वो फ्यूचर वेस्कुलर टिश्यू और कॉर्टेक्स के लिए जो है वो रीजन जो है वो भी मेरिस्टमैटिक स्टेज में जो है प्रो मेरिस्टम में आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं। और फिर इसमें जो है वो कुछ जो है वो दीज आर द सम मेन इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द रूट एपिकल मेरिस्टम। इसमें जो है वो रूट के अंदर जो है वो पिथ लाइक रीजन जो है वो भी पाया जाता है, उसको भी जो है वो डिस्टिंग्विश किया जा सकता है इसमें। और उसके बाद जो है वो इसमें रूट प्रोटोडर्म जो है
मतलब जिससे इसका जो एपिडर्मस, जिसको रूट में एपिब्लेमा कहा जाता है, वो रीजन डेवलप होता है, उसके लिए जो है वो कोई सेपरेट लेयर जो है प्रोटोमेरिस्टम में प्रेजेंट नहीं होती है। ये इसकी कॉमन ओरिजिन होती है, या तो जो है वो उसके साथ कॉर्टेक्स के साथ, या जो है वो रूट कैप के साथ जो है वो इसके इनिशियल्स प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए कोई सेपरेट लेयर जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है प्रोटोमेरिस्टम के अंदर। फिर इस तरह से जो है वो क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि विच आर द हिस्टोजन फाउंड इन द रूट एपेक्स। ये भी आपने डिटेल के साथ पढ़ा कि शूट एपेक्स जो है उसके अंदर जो हिस्टोजन्स थे, हेंस्टेन ने जो आइडेंटिफाई किए थे, उसमें जो है वो था वो प्रोटोडर्म, पेरिबलम एंड प्लीरोम। लेकिन रूट एपेक्स जो है उसके अंदर जो है वो इन टर्म्स की बजाय जो है वो कुछ और टर्म जो है ऐसे मिलती जुलती यूज़ की गई, जिस तरह प्रोटोडर्म की बजाय जो है वो यूज़ किया गया लफ्स, और पेरिबलम की बजाय मेरिस्टम ऑफ कॉर्टेक्स यूज़ किया गया, और वेस्कुलर टिश्यूज़ के लिए जो है वो प्लीरोम की जगह पर जो है वो मेरिस्टम ऑफ वेस्कुलर सिलेंडर जो है वो यूज़ किया गया। और वो किस वजह से? क्योंकि रूट जो है वो उसके अंदर एक मेरिस्टमैटिक जो रीजन है उससे जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं वो एक से ज़्यादा परमानेंट टिश्यूज़ जो है वो डेवलप होते हैं। इस वजह से ये टर्म जो है उसमें थोड़ी सी चेंज की गई। फिर इसके बाद जो है वो डिफरेंशिएट बिटवीन पेरिबलम एंड प्लीरोम। पेरिबलम और प्लीरोम जो है उसमें क्या डिफरेंस है कि पेरिबलम जो है ये वो मेरिस्टमैटिक जोन है, रीजन है कि जो कॉर्टेक्स को डेवलप करता है, जबकि प्लीरोम जो है ये वो मेरिस्टमैटिक टिश्यू है जिससे जो है वो वेस्कुलर सिलेंडर डेवलप होता है प्लांट बॉडी के अंदर। देन डिफरेंशिएट बिटवीन क्लोज्ड एंड ओपन टाइप रूट एपेक्स। ये जो गटनबर्ग ने जो है वो रूट एपेक्स की दो टाइप्स बताई हैं, क्लोज टाइप और ओपन टाइप। इसमें जो है वो डिफरेंस आपने बताना है कि क्लोज टाइप रूट एपेक्स जो है वो होती है जिसमें जो टेम्परेरी इनिशियल्स अराउंड द सेंट्रल परमानेंट इनिशियल जो सेल प्रेजेंट होते हैं, वो टेम्परेरी इनिशियल ऑलरेडी जो है वो इमीडिएटली जो है वो प्रेजेंट होते हैं जस्ट एडजेसेंट टू द सेंट्रल मदर सेल, यानी सेंट्रल मदर के बिल्कुल साथ ही जो है प्रेजेंट होते हैं, और वो इजीली आइडेंटिफाइबल होते हैं, वो पहले से ही डिस्टिंक्ट होते हैं, उनको इजीली आइडेंटिफाई किया जा सकता है। जबकि जो ओपन टाइप है रूट एपेक्स, उसके अंदर सेंट्रल मदर सेल के इर्द गिर्द जो टेम्परेरी इनिशियल्स के जो थ्री ग्रुप्स हैं वो उनको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसकी जगह पर कॉमन इनिशियल्स प्रेजेंट होते हैं फॉर ऑल द टिश्यूज़, एंड दीज कैन बी डिस्टिंग्विश्ड एट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम द सेंट्रल सेल, यानी सेंट्रल सेल से कुछ दूर डिस्टेंस पर जो है वो इनको टेम्परेरी इनिशियल को आइडेंटिफाई किया जा सकता है जिससे परमानेंट टिश्यूज डिवेलप होते हैं। फिर इस तरह से जो है व्हाट इज़, ये क्वेश्चन डिफरेंस भी आ सकता है इन दोनों पे, और इंडिविजुअल भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ क्लोज टाइप रूट एपेक्स, व्हाट इज़ ओपन टाइप रूट एपेक्स। इसमें फिर आपने सिर्फ एक के बारे में, जिसके बारे में पूछा गया है उसी का आंसर जो है वो आपने उसी के बारे में एक्सप्लेन करना है। देन व्हाट इज़ क्वेश्चन सेंटर। क्वेश्चन सेंटर जो है ये भी आपने पढ़ा क्वेश्चन सेंटर थ्योरी के अंदर, के रूट एपेक्स जो है उसके टिप में स्टील और जो है वो कॉर्टेक्स के पोल पर जो है वो ग्रुप जो है वो सेल्स का प्रेजेंट होता है जो कि इनएक्टिव होता है, और इसकी शेप जो है वो कंप्लीट सर्कुलर नहीं होती, ये हेमिस्फेयर डिस्क लाइक पार्ट होता है जिसके अंदर एक्टिविटी सेल्स की जो है कम होती है, मीन सेल डिवीजन बहुत कम होती है। जबकि इसके इर्द गिर्द जो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं वो मेरिस्टमैटिक होते हैं, और उनमें जो है वो प्रॉपर सेल डिवीजन जो है वो होती है। फिर इसके बाद जो है व्हाट इज़ व्हाई क्वेश्चन सेंटर एग्जिस्ट्स, गिव रीजंस। तो इसमें जो है वो क्वेश्चन सेंटर क्यों प्रेजेंट होता है, इसकी रीजंस आपने देनी है, और उसमें जो तीन व्यूज जो हैं वो डिस्कस किए गए हैं वो आपने मेंशन करने हैं कि इनकी तीन डिफरेंट जो व्यूज़ हैं उनके बारे में तीन रीजंस हैं जिसकी वजह से ये क्वेश्चन सेंटर जो है वो प्रेजेंट होता है रूट के अंदर। देन व्हाट इज़ कॉर्पर केप थेरी। इसमें जो है वो रूट एपेक्स को एक्सप्लेन करने के लिए जो कॉर्पर केप थेरी है उसके बारे में आपने डिटेल से बताना है कि उसके क्या पॉइंट्स है। कॉर्पर मीन्स बॉडी ऑफ द रूट एंड केप मीन कैप रीजन।
तो इसमें जो है वो आपने बताना है कि कॉर्पल और केप प्रिजन दोनों में जो है वो सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल जो है उसमें सेल सीरिएशन के दो सिस्टम प्रेजेंट होते हैं कि सेल्स के अंदर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल फाइल प्रेजेंट होती हैं, लेकिन वही लॉन्गिट्यूडनल फाइल जो है या है जो है वो डबल हो जाती है और उसमें जो है वो डिवीजन ऑपोजिट डायरेक्शन में जो है वो हो जाती है। फॉर एग्जांपल वन सेल जो है उसके अंदर ट्रांसवर्स डिवीजन होती है, टू डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड, तो उनमें से एक डॉटर सेल जो है उसमें नेक्स्ट ट्रांसवर्स डिवीजन नहीं होगी बल्कि उसमें एक लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन जो है वो हो जाती है, तो उसमें टी डिवीजन जो है वो इस तरह पैटर्न जो है वो बनता है। तो ये टी डिवीजन नॉर्मल और टी इन्वर्टेड डिवीजन भी जो है वो पाई जाती है। रूट एपेक्स जो है वो उसके एक्सिस की तरफ और उससे एक्सिस से दूर जो है उस रीजन में भी ये टी और इन्वर्टेड टी टाइप की डिवीजन जो है वो पाई जाती हैं। अब ये तो वो पैटर्न हो गया क्वेश्चंस का, लॉन्ग एंड शॉर्ट क्वेश्चंस का, जो कि ट्रेडिशनल जो एग्ज़ाम पहले होते रहे हैं अब तक उनके मुताबिक कि आपके पेपर में जो है वो लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन जो है कंपलसरी होता है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन अब चूंकि ये भी सुनने में आ रहा है कि मे बी एग्ज़ाम जो है वो ऑनलाइन हो, तो उस सूरत में जो है ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं और उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ऑप्शन भी जो है वो हो सकती है। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में आप एफएससी में भी जो है आपको एक्सपीरियंस है कि किस तरह से जो है वो एक एमसीक्यू वाला एक फर्स्ट पार्ट पेपर का होता है उसको आप अटेम्प्ट करते हैं विद इन 30 मिनट्स, तो आप उसको सबमिट करा देते हैं। तो इसी तरह से इसमें भी जो है वो अगर ऑनलाइन क्वेश्चन में शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ऑप्शन भी आती है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो इस तरह के हो सकते हैं। ये जो जितने टॉपिक्स पढ़े हैं इनमें से कुछ जो है वो आपको मैंने सैम्पल के तौर पर यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो बता रही हूँ। फॉर एग्जांपल नंबर वन, द साइंस विच डील्स विद अंडरस्टैंडिंग ऑफ फंक्शनिंग ऑफ प्लांट इज नोन एज डैश। तो आपको तीन या चार ऑप्शन जो है वो दी हुई हैं और उसमें आपने जो करेक्ट आंसर है वो यहाँ पर आपने मेंशन करना है। तो आपको पता है कि फंक्शनिंग ऑफ प्लांट्स जो है वो ब्रांच जो है वो साइंस की उसको फिजियोलॉजी कहते हैं, तो यहाँ पर आप फिजियोलॉजी लिखेंगे। देन इन ड्राइड मिंट लीव्स ऑफ डैश आर यूज्ड, तो इसमें थ्री ऑप्शन जो है आपके पास हैं, मेंथा, कोराइलस एंड एलियंथस जीनस। तो इन तीनों जेनरा में से जो जिस जीनस के लीव्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं तो उसके बारे में आप लिखेंगे, और मेंथा जीनस जो है वो उसके लीव्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। फिर इसी तरह से जो है वो क्वेश्चन जो है वो ये हो सकता है कि डैश इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द संदल, ये भी आप पढ़ चुके हैं कि पेपायरस इज़ द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द संदल। फिर इस तरह से डैश इज़ द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेरिस्टेमेटिक जोन विच डेवलप्स एपिडर्मल सिस्टम ऑफ द प्लांट, तो इसमें जो है ये मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर आपने पढ़ा था कि जो है वो प्रोटोडर्म जो है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है मेरिस्टेमेटिक जोन के अंदर, जिससे एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम प्लांट का जो है वो डिवेलप होता है। फिर इस तरह से जो है वो ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि एपिकल सेल थ्योरी इज एप्लीकेबल ओनली फॉर प्लांट्स के कौन से ग्रुप के लिए जो है वो एप्लीकेबल है, किसको ये एक्सप्लेन करती है। और इसमें जो है वो ऑप्शंस हैं आपके पास, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स, ट्रीडोफाइट्स। तो ये आपने जो है पढ़ा है कि एपिकल सेल थ्योरी इन बोथ शूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स इट कैन एक्सप्लेन ओनली द स्ट्रक्चर ऑफ एपिकल मेरिस्टम इन द ट्रीडोफाइट्स, ये सिर्फ ट्रीडोफाइट के लिए वैलिड होती है, जिसमें जो है वो ये बताया गया है कि सिंगल एपिकल सेल या एक से ज़्यादा एपिकल सेल जो है ट्रीडोफाइट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो प्लांट के पार्ट्स को जो है वो डिवेलप करते हैं। देन हिस्ट्रोजन थ्योरी वॉज एडवोकेटेड बाय डैश इन 1868, तो इसमें तीन ये साइंटिस्ट के नाम जो है वो दिए हुए हैं, तो आपने जो करेक्ट नेम है वो यहाँ पर लिखना है, और ये आपको पता है कि ये हैंड स्टैंड जो है उसने ये थ्योरी डेवलप की थी।
फिर इस तरह से जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि हिस्ट्रोजन थ्योरी वाज डेवलप्ड बाय हेनस्टेन इन डैश, यानी आपने जो है वो ये बताना है कि किस ईयर में जो है वो उसने डेवलप की थी, 1917, 1865 एंड 1868। तो जो करेक्ट आंसर है वो 1868 है, यानी ये एक ही जो है वो सेंटेंस है लेकिन उसमें दो आपको जो है मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन उसकी डेट के बारे में पूछा जा सकता है और उसमें जो साइंटिस्ट है उसके बारे में भी जो है वो पूछा जा सकता है। फिर इस तरह से जो है वो डैश थ्योरी वाज गिवन बाय श्मिट इन 1924, के श्मिट ने 1924 में जो है वो कौन सी थ्योरी जो है वो दी थी, एपिकल सेल, ट्यूनिका कार्पस एंड हिस्टोजन। तो इसमें जो है आपको पता है कि ट्यूनिका कार्पस थ्योरी जो है इट वाज गिवन बाय श्मिट इन 1924। देन द टर्म ट्यूनिका इज यूज्ड फॉर दोज लेयर्स विच शो डिविजन्स ओनली, कौन सी डिविजन ट्यूनिका लेयर जो है उसमें होती हैं, पेरिक्लाइनल, एंटीक्लाइनल, डायगोनल। तो इसमें जो है वो एंटीक्लाइनल डिवीजन जो है होती है इसका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर ये आप लिखेंगे, मेंशन करेंगे। देन द सेल ऑफ क्वेश्चन सेंटर हैव डैश कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीएनए, आरएनए एंड प्रोटीन्स, हायर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन और मीडियम। तो इसमें जो है वो आपने पढ़ा था कि इसमें जो है वो क्वेश्चन सेंटर के जो सेल्स हैं उसमें जो है वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स की जो है वो लोअर कंसंट्रेशन जो है वो प्रेजेंट होती है। तो ये जो है वो मतलब लॉन्ग क्वेश्चन और जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की कुछ एग्जांपल भी जो है वो हमने पढ़ी। तो आप भी अपनी बुक से जो है वो अच्छी तरह से अपने जो भी टॉपिक पढ़ें उसको लॉन्ग क्वेश्चन के लिए प्रिपेयर करें और उसके बाद उसमें जो पॉसिबल शॉर्ट और मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे आपने अच्छी तरह से प्रिपेयर करने हैं।